जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीच माल्ट का रिव्यू। ठीक है, ये ड्रिंक ऐसी है जो किसी भी नॉर्मल स्टोर से, जनरल स्टोर से, बेकरी से आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये मैरी ब्यूररी, ये लास्ट जो मार्च 79 का हमने रिव्यू किया था, ये उसी कंपनी की ड्रिंक है। ठीक है, इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, मार्च 79, पीच माल्ट और लेमन माल्ट। ठीक है, और ज़्यादा जो यूज़ होती हैं, जो रेगुलर चलती हैं, वो लेमन माल्ट और पीच माल्ट है। ठीक है, ये पीच माल्ट है, तो नॉन अल्कोहलिक लिखा हुआ है। ये रावलपिंडी का ब्रांड है, नीचे ये देखें, ये लिखा हुआ है लोकल पाकिस्तान का ब्रांड है। ये 50 रुपये की बॉटल है। ठीक है, इसको बॉटल को आप घर लेके जा सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग अच्छी हुई हुई है, डिस्पोजिबल बॉटल है, ये चीज़ अच्छी है कि रीफिलिंग नहीं होगी उसमें। फिर जो है इस्तेमाल के बाद खाली बोतल तोड़ दें। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि इस्तेमाल करने के बाद खाली बोतल तोड़ दें, ताकि ये जो इसकी को कॉपी ना कर सके। ठीक है, या फिर इसमें हो सकता है ना, इसमें कोई और ड्रिंक्स भर के बंदा जो है ना वो सेल कर ले। ठीक है, 300 ml इसकी क्वांटिटी, जो 300 ml है। ठीक है, और 1860 में ये एस्टेब्लिश है। तो इसका आज टेस्ट करते हैं। इसमें बेसिकली माल्ट कहते हैं जौ के पानी को, जो है ना वो गंदुम के पानी को, जौ के पानी को माल्ट कहते हैं। पीच उसका फ्लेवर है। ठीक है, पीच माल्ट मतलब इसमें जौ का भी थोड़ा सा उन्होंने फ्लेवर डाला होगा और पीच का भी। इसी तरह लेमन माल्ट है, इसी तरह और भी जो माल्ट हैं, जैसे कि बारबिकेन माल्ट है, उसके अलावा मॉल्ट 79 है, वो तो प्योरली जो है ना वो उसमें जौ का पानी है। ठीक है, उसी का जायका है मॉल्ट 79 में, तो वो इसलिए ज़्यादा कड़वी होती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ड्रिंक की तरह मीठी। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं कैसा है इसका टेस्ट, और आपके लिए रेकमेंडेड है कि नहीं है। तो चलिए एक सिप ले के देखते हैं। बिल्कुल पीच की तरह का इसका फ्लेवर है। ठीक है, पीच ज़्यादा डोमिनेंट है, माल्ट बिल्कुल नॉर्मल सा जो का हल्का सा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल निगलिजिबल है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, क्योंकि एक रेगुलर ड्रिंक है, आप गर्मियों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मॉल्ट 79 की जगह आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन माल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉल्ट 79 के अपने फ़वाद हैं, उसका एक फ़ायदा है। ठीक है, ये आप वैसे जो है ना गर्मी महसूस हो रही है तो आप पा गया, गला खुश्क हो गया, ठीक है, प्यास लगी हुई है, तो आप ये वाली ड्रिंक पी सकते हैं। लेकिन मॉल्ट 79 जो है वो आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा जो है ना बूस्ट करता है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो आप वो भी पी सकते हैं। अगर वो नहीं पी जाती आपसे तो माल्ट, पीच माल्ट और लेमन माल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लेमन माल्ट का भी रिव्यू लेके आएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे किसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। फिर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, पीच माल्ट आपकी फेवरेट है या लेमन माल्ट आपकी फेवरेट है। एक सिप, एक और सिप इसका लेके देखते हैं, अब तो मज़ा आने लग गया। ठीक है, फिर हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियोस इंटरेस्टिंग होंगे, उसमें हम फूड कंपैरिजन वगैरह करेंगे। ठीक है, अपने लोकल फूड्स और ब्रांडेड फूड हो गए, KFC, मैकडोनल्ड वगैरह का भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि उनका कैसा है टेस्ट, हमारे रीजन में कैसा टेस्ट है, और वैसे इंटरनेशनल तो फिर इंटरनेशनल चेन है वो। ठीक है, और उसके अलावा हमारे जो लोकल सिटी के जो ब्रांड्स है, ठीक है, फास्ट फूड के या खाने पीने के, तो उनका भी हम रिव्यू करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इंटरेस्टिंग। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।